कांग्रेस भी थी, आम आदमी पार्टी थी, लेकिन वोटर्स ने आखिरकार क्या निर्णय लिया, क्या मुद्दे के ऊपर बीजेपी कुछ? देखिए, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है उन पे अविरत विकास की जो यात्रा है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी। और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। मोदी का चेहरा भी पूरे डेफिनेटली यस बिकॉज जिस हिसाब से सर ने उनका जो रोड शो चला, ठीक है, 32 या 35 किलोमीटर तक का जो रोड शो था, और गुजरात का जो गुजरात की जनता पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक इम्पैक्ट रहा है, वो CM से लेके PM तक अभी तक उत्तरोत्तर उसमें जो बढ़त है, लोगों की जो एक लोक चाहना है, सिर्फ गुजरात ही नहीं, आप विश्व में देखें जहाँ जहाँ भी गुजराती हैं, तो एक मोदी जी की जो एक अमिट छाप है लोगों के दिल में, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो एक इम्पैक्ट है वो होना जाहिर सी बात है। 150 से ऊपर अब बीजेपी जा रही है, एक पाथ ब्रेकिंग विक्ट्री कहा जाएगी पूरे गुजरात में, क्या बीजेपी अब कांग्रेस खत्म हो गई है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो डेफिनेटली कहूँगी कि हम विकास की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात का जो मॉडल है उसमें जहाँ जहाँ अभी जो जो विकास चल रहे हैं उसमें हम बेहतर मॉडल के तौर पे आगे बढ़े, और वही एक मंत्र रहेगा मेरे साथ जितने भी प्रत्याशी के रूप में हैं, जीत के धारासभ्य बनते हैं, तो उनका एक वही चयन रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़कर जो डेवलपमेंट के काम हो वो आगे बढ़ाए। मैडम, आज बहुत बड़ी जीत आपको मिली है और पूरे भारत पूरे गुजरात में भी बीजेपी की जीत हुई है, किस तरह से लग रहा है? सर, अभी फाइनल राउंड्स जो हैं वो बाकी हैं, लेकिन जिस हिसाब से अभी चल रहा है तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे जो साथी कैंडिडेट थे, अब हम उनको धारासभ्य के रूप में प्रस्थापित वो हो चुके हैं, दिवेश भाई को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी उनकी बहुत ही अच्छी लीड से जो जीत हुई है। साथ ही साथ मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी हमारा जो केंद्र का नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, CR पाटिल जी हैं, और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के तौर पे हम जिसे अब वापस देखेंगे ऐसे हमारे भूपेंद्र भाई पटेल हैं, CR पाटिल जी, ये सब उनका जो एक संगठन की पूरी टीम, उनकी ताकत के लिए भारतीय जनता पार्टी के जामनगर के जितने भी सन्निष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उन्होंने जिस हिसाब से, मैं प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नहीं देख रही थी, बाकी जो लोग मेरे लिए आगे चल के सहर्ष मेरा स्वीकार किया मेरे माध्यम से प्रत्याशी के रूप में, वो जिस हिसाब से आगे बढ़ के काम किया, लोगों तक पहुंचकर जनसंपर्क में इतना उत्साह दिखाकर, और पूरे एक महीने की जो लगन जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरी नहीं, हम सभी की जीत हुई है, और ये जीत मैं उनको, उनकी तरफ से जो मुझे सपोर्ट मिला है, मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूँ, और ख़ास ये एक जो जीत का माहौल है तो उनका क्रेडिट उनको मैं श्रेय देना भी चाहूँगी कि एज ए हस्बैंड के तौर पे वो हर हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, मेरा पीठबल बन के मुझे हर हमेशा मोटिवेट किया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक रोड शो भी उन्होंने किया, जिस तरह से उन्होंने पूरा अपना मोर्चा संभाला था, किस तरह से? हाँ, मैं बस वही कहना चाहूँगी कि अपनी तरफ से ये उनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, जब मोदी जी आए थे तब उन्होंने भी ये एक लाइटर नोट पे कमेंट किया था कि ऐसी फील्डिंग तो आपने पहले कभी नहीं की होगी, तो बस बहुत ही ज़्यादा वो अपनी तरफ से जितना मेरे लिए कर सकते थे उन्होंने किया, और मैं तो बस वही एक है कि ये शब्दों में आप ये फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये जो भावना है एक हस्बैंड के तौर पे जब आपको ज़रूरत होती है तब आपका फैमिली साथ होता है, आपको सपोर्ट करता है, तो वो बहुत बड़ी बात है।